ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51 52 53 पार्ट 4। अब तक हमने सुना कि एक व्यक्ति को जो सिद्धता को चाहता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है जो है भगवत प्रेम, उसको अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में रखते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर देना चाहिए, राग और द्वेष से मुक्त रहना चाहिए, एकांत स्थान में वास करना चाहिए, जो कम खाना चाहिए और मन और शरीर वाणी को वश में रखना चाहिए। इस प्रकार वो सदैव समाधि या भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होना चाहिए। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो आज बता रहे हैं कि जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, स्वामित्व इज ओनरशिप। भगवान गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। सर्वलोके महेश्वरम का मतलब है कि आई एम द ओनर, कंट्रोलर ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स और व्हाटएवर वर्ल्ड यू कैन से आध्यात्मिक बॉडी। सर्वलोके महेश्वरम, महाईश्वर, नॉट ओनली द कंट्रोलर बट द सुप्रीम कंट्रोलर। किसी की ओनरशिप का जो सिम्टम है वो क्या है? ओनरशिप के ओनर व्यक्ति, जो ओनर होता है उसके पास कंट्रोल होता है। यानी कि यदि आप जानते हैं इक्विटी एंड शेयर्स के बारे में, तो आप जानते होंगे जिस कंपनी के मोर देन 50% शेयर अगर आपके पास हैं तो यू बिकम द ओनर, बिकॉज यू बिकम द कंट्रोलर ऑफ द जनरल मीटिंग्स सपोज, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बन जाते हैं, कंट्रोलर बन जाते हैं तो ओनर बन जाते हैं। जो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है वो स्वामी माना जाता है। अब आप ये कहेंगे कि चोर भी कई बार गाड़ी को चुरा के ले जाता है और कंट्रोल कर लेता है, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाता है, लेकिन चोर जो है छुप छुप के कंट्रोलर बनता है और उसका पकड़े जाने का भय रहता है, जैसे ही वो पकड़ा जाता है उससे वो चीज़ छीन ली जाती है, तो इसलिए उसको स्वामी नहीं बोल सकते क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं, वो टेम्परेरी कंट्रोलर है। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वलोके महेश्वरम, सुप्रीम कंट्रोलर। हम लोग भी अपने अपनी लाइफ में छोटे मोटे कंट्रोलर हैं। हम जैसे खास तौर पे बचपन में अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, केवल बचपन में ही कर पाते हैं, थोड़े समय तक, है ना। पति सोचता है कि मैं पत्नी पे कंट्रोलर हूँ, जब तक उसको समझ में आता है कि नहीं, मेरी पत्नी मेरी कंट्रोलर है। और हर व्यक्ति लिमिटेड सेंस में कंट्रोलर है, कुछ समय बाद उसको समझ में आता है नहीं, वो कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर करने की जो हमारी मेंटेलिटी है, इसी से हमें बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं ये ऐसे चलना चाहिए, वो ऐसे नहीं चलता, इसको ऐसे चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं चलता है, परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, परिस्थितियाँ, लोग, मौसम, इन सबको तो छोड़ें, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम चाहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं ऐसे विचार मेरे मन में नहीं आते, आने चाहिए, लेकिन मेरे मन में वैसे विचार आ जाते हैं। तो हम अपने मन और इंद्रियों पर भी के वास्तव में उसके भी कंट्रोलर नहीं हैं, इसलिए हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। इसलिए अगर हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है मान लिया, तो हम रियल ओनर नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक दुकान है जो कि किराए पे है। अब जो दुकानदार है वो उस दुकान में कुछ कुछ अपने हिसाब से करता है ना, कुछ सामान सजाता है अपने हिसाब से जाता है, तो वो उस दुकान का कंट्रोलर है, लेकिन वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। क्योंकि जिस दिन मकान मालिक कहता है जी आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी सर, मेरा मन नहीं है दुकान देने का, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी, तो आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। अभी तक तो आप उस दुकान के कंट्रोलर थे, इसका मतलब आप केवल टेम्परेरी कंट्रोलर थे, आप वास्तविक कंट्रोलर नहीं थे, इसलिए आप ओनर नहीं थे। ये सिम्टम है, क्योंकि ओनर का राइट है कि वो उसको हटा सकता है, ठीक। लेकिन कई बार सरकार कहती है यहाँ से एक सड़क निकलेगी, जैसे अभी जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास हो रहा है, जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास काफ़ी सारी दुकानें चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, प्रशासन
टॉयलेट्स बना रहा है यात्रियों के लिए, बहुत कुछ रहा है, तो कई सारी दुकानें चली जाएंगी। अब वो दुकानदार बेचारा, उसमें तो एक तो टेम्परेरी कंट्रोलर था जो दुकानदार था, एक उसका कागजी ओनर था जो अपने आप को ओनर मानता था, लेकिन अचानक से उसको समझ में आया कि अरे मैं ओनर नहीं हूँ आज तक, तो मैं एक गवर्नमेंट ओनर है। गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और मेरे को बेदखल कर दिया अचानक से, है ना। तो वो इसका मतलब वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं था उस दुकान का, इसका मतलब वो सही मायने में सुप्रीम ओनर भी स्वामी भी नहीं था। अब सरकार अगर समझेगी हम इस जगह के मालिक हैं, तो हमने देखा भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे राजा अपने आप को मालिक समझते थे, लेकिन अचानक से कौन आ गए, मोहम्मद गजनवी और जाने कौन कौन से मुगल आ गए, उन्होंने इनकी ओनरशिप छीन ली। इसी प्रकार सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसने अलग अलग जगह जाके हाँ लोगों की ओनरशिप छीन ली, ज़मीन छीन ली, उन्हें हरा दिया, है ना। इसी प्रकार से एक सरकार के ऊपर दूसरे सरकार का कई बार लड़ाई हो जाती है, कई देशों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जो देश आज तक मेरे कब्जे में था वह किसी और सरकार के कब्जे में चला गया। तो देखा जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं टेम्परेरी कंट्रोलर ही हैं, इसलिए हम सब लोग वास्तविक ओनर तो है ही नहीं, इस शरीर के भी नहीं है, क्योंकि शरीर भी चला जाता है, इस शरीर के भी हम कंट्रोलर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं मिथ्या स्वामित्व, ये जो स्वामित्व हम दिखाते हैं अलग अलग चीज़ों में, अपने बच्चों में, पत्नी में, पति में, घर के अंदर, ये वास्तविक स्वामित्व नहीं है, क्योंकि हम इसके वास्तविक कंट्रोलर नहीं हैं। हम कुछ हद तक कंट्रोलरशिप दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें भी फेल जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए हु इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, जिसको हमने बताया भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, आई एम दैट सुप्रीम कंट्रोलर, क्योंकि वो भगवान ही हैं जो ये भूमि को बनाते हैं, भूमि जलवायु आकाश अग्नि ये पांच तत्व हैं, और बाकी सब कुछ मिला जुला के भगवान ही संसार को बनाते हैं और फिर संसार को एनाइलेट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं, इसलिए वही वास्तविक ओनर हैं। हाँ भगवान यही कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते, ये सारी वस्तुएं मुझ में से ही निकलती हैं, मैं ही उनका क्रिएटर हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो। इसलिए मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित रहना चाहिए और हर वस्तु में। अब जैसे हमें समझ में आ गया कि हम तो ग्रॉस लेवल पे किसी भी वस्तु के ओनर नहीं है, फिर छोटी छोटी लेवल पे तो बात ही क्या करें। छोटे छोटे लेवल पे मेरे कपड़े, मेरा पेन, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा मोबाइल, फिर उस चीज़ के तो क्या ही मोह रहे, आप जानते हैं ये चीज़ तो 1 सेकंड में खो जाती है, चली जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो जितना हम स्वामित्व का भावना रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर बेचैनी बनी रहेगी, बिकॉज व्हाट आवर टेंडेंसी इज़ टू कंट्रोल। जैसे हमने बताया जब हम अपने आप को स्वामी मानते हैं किसी वस्तु का, तो उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और हम हैं बहुत ही माइन्यूट चिंगारी भगवान के अंश, हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को संभाल पाएँ, तो हम बेचैन जाते हैं और हम वास्तविकता में मतलब फ्रस्ट्रेट जाते हैं। व्हेन वी रियलाइज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, तो हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। इसलिए मिथ्या स्वामित्व की भावना, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो भी मेरे पास है वो वास्तव में भगवान की धरोहर है। धरोहर समझते हैं आप? हाँ धरोहर जैसे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ने मुझे दे रखी है फॉर टेकिंग केयर, केयर टेकिंग के लिए मुझे, आई एम अ केयर टेकर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम अ केयर टेकर ऑफ दिस हाउस ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, इसलिए आई मस्ट यूज इट बिकॉज आई एम अ केयर टेकर। आई कैन, मैं इसको स्वतंत्र तरीके से अपने तरह से यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र मालिक स्वामी नहीं हूँ, मैं केयर टेकर हूँ। केयर टेकर का क्या जिम्मेदारी है? केयर टेकर की जिम्मेदारी है कि जो मालिक है उनके अनुसार उस प्रॉपर्टी को, जगह को, वट एवर द प्रॉपर्टीज, उसको उसके अनुसार उसकी केयर करें, यही सोचकर कि मैं इस घर का केयर टेकर हूँ भगवान के बिहाफ पर, इसलिए मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए इस घर को इस्तेमाल में लाना है। आई एम द केयर टेकर ऑफ माई चिल्ड्रन, तो मुझे बच्चों को इसी प्रकार से पालन पोषण करना है कि वो भगवान की प्रसन्नता हो, क्योंकि आई एम द केयर टेकर। कल को भगवान मुझसे पूछेंगे, हाँ भैया मैंने तेरे को 2 बच्चे दिए थे, बता कैसे हैं, कितना नाम जपते हैं, हाँ बताओ, तो हम कहेंगे नाम तो नहीं जपते, नहीं जपते, मुझे प्रणाम तो करते होंगे, नहीं प्रणाम तो नहीं करते, तो कर क्या रहे हैं जी, नौकरी कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अरे बच्चे तो मेरे थे, मैंने तुम्हें केयर टेकिंग के लिए दिए थे, तुमने कहाँ लगा दिया उनको, हाँ, तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित हर वस्तु को भगवान का समझना, इसको कहते हैं अकिंचन। एक भक्त अकिंचन होता है, उसके पास कुछ भी होता है वो मानता ही नहीं, उसका है उसी की सेवा में लगा देता है। हाँ
और फिर बता रहे हैं तथा शांत है। भगवान गीता में बताते हैं शांति फार्मूला क्या है, यही है शांति फार्मूला जो आज हमने श्लोक बताया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। जो व्यक्ति इसको जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। क्या क्या जानता है कि मैं सभी यज्ञों का भोगता हूँ, आई एम द इंजॉयर, आई एम द ओनर, आई एम द कंट्रोलर। जो भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर, मालिक, स्वामी, भोक्ता मानता है, और ये मानता है कि सुहृदम सर्वदेही नाम, कि भगवान सबके सुहृद है यानी कि सबके मित्र हैं, वो शांति को प्राप्त करता है। यानी कि जो अपने आप को इंजॉयर नहीं मानता, जो अपने आप को मालिक नहीं मानता, स्वामी नहीं मानता, और ये मानता है कि भगवान ही इंजॉयर है, इसलिए मेरा कार्य उनको प्रसन्नता देना, मालिक के लिए दास बन के कार्य करना, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। शांति को कौन प्राप्त नहीं करता है? जो कर्ता हम अपने आप को कर्ता मानता है, अहंकार से विमूढ़ हो चुका है, वो कर्ता मानता है, इसलिए वो अपने आप को प्रूव करने की बहुत प्रयास करता है। अब जैसे कि माना कि एक चीते के साथ एक प्रूव करने को, चींटी प्रूव कर रही है कि आई विल विन द रेस, कितना हेडेक हो जाएगा चींटी को, कितना टेंशन, सुपर वो फट जाएगी टेंशन से, कितना सोचना पड़ेगा उसको, क्या क्या करो, फिर भी वो क्या कर पाएगी। दैट इज़ द सिचुएशन, कि हम अपनी लिमिट से बहुत बियॉन्ड हमने एक्सपेक्टेशन बना ली है संसार में। वी आर ट्राइंग टू लॉर्ड ओवर, प्रभुपाद कहते हैं लॉर्ड इट ओवर द मेटीरियल नेचर, हम मेटीरियल नेचर को स्वामित्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे संसार में अधिक से अधिक अपना इन्फ्लुएंस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक मेरे करोड़ों लोग मेरे फॉलो करें, करोड़ों मेरी प्रॉपर्टी हो, और वट एवर इज़ द प्रॉपर्टी, चाहे हज़ारों में हो, वो बढ़ती जाए धीरे धीरे, मेरा स्वामित्व बढ़ता जाए, तो व्यक्ति कैसे शांत रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सगले अशांत, जो व्यक्ति के अंदर इतनी कामनाएं हो जाती हैं सांसारिक, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता मानता है, इसलिए तो कामनाएं उड़ती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को दास माने कि मैं तो दास हूँ, भगवान का दास हूँ, है ना, तो वो क्या सोचेगा, वो कहेगा जो भी भगवान मुझे देंगे जीवन जीते हुए उसको मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूँगा, तो शांत रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने का प्रयास करेगा बार बार, हाँ, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने बिजनेस माइंड को, वटैवर, तो वो हमेशा योजनाएं बनाएगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, वो हमेशा अशांत रहेगा। तो वास्तव में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे हमने बताया कि हमारा ये स्वामित्व भी टेम्परेरी, हमने अगर कुछ साबित कर भी लिया तो वो भी एक झटके में हमसे छिन जाएगा, ऐसे रोज हम एग्जाम्पल अपने आसपास देख रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो शांत है, इसलिए आखिरी क्वालिटी बताई जो शांत है, यानी कि वो भगवान के चरणों में शांत है, और उसके लिए वो ऐसा नहीं है निष्क्रिय हो गया है, नकारा हो गया है, आलसी हो गया है, बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन सब भगवान की पसंद के लिए, स्वामित्व की भावना के बिना सब कुछ भगवान को अर्पित करता जा रहा है, वह शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। सो इट इज़ नॉट सो ईजी, ऑल दो वी कैन एक एक बारी में हम एक स्टेप ले सकते हैं, बट समझने की बात है कि जितना ईजी संसार ने इसको मान लिया है, इतना ईजी भी नहीं है ना, मतलब इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये गुणों को अर्जित करना पड़ता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसके लिए सेवा करना पड़ता है, इसके लिए टॉलरेट करना पड़ता है, इसके लिए फॉरगिव करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे वैष्णवों के संग में गुरुजनों के आशीर्वाद से ये गुण हमें प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।